Shivani, class 5th. Today I will start new exercise number 11.2. Convert the following time units. First question is 20 minutes convert into seconds. First question है 20 minute को हमें किस में change करना है? Seconds में. You all are know how 1 minute equal solution. Let's start solution. 1 minute equal क्योंकि हमें मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है. स्मॉलेस्ट यूनिट में कल वाली क्लास में भी आपको मैंने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट में अगर हम चेंज करते हैं कन्वर्ट करते हैं किसी भी यूनिट को मिनट बड़ा होता है या ये सेकंड तो सेकंड होती है ना सेकंड स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किससे मिनट के अकॉर्डिंग कंपेरिजन में तो हम अगर किस में चेंज कर रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज कर रहे हैं तब स्मॉलेस्ट यूनिट में हम जब चेंज करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 minute is equal 60 seconds या मिनट और सेकंड को कर रहे हैं इसलिए हमने ये देखेंगे कि 1 minute में कितने सेकंड्स होते हैं 1 minute में 60 seconds होता है तो 20 minutes का फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में तो 20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 मल्टीप्लाई 60 तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो सेकंड्स में आ जाएगा 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर दो 2 6 12 और यहाँ पे 1010 मतलब 20 ये हो जाएगा सेकंड्स 1200 सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है जैसे बहुत कल जैसा ही है ये भी 1/2 इसमें मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था इसमें मिक्स फ्रैक्शन में है मिक्स फ्रैक्शन में भी होगा तब भी ऐसे करना है मिनट को सेकंड में चेंज करना है सॉल्यूशन सबसे फर्स्ट हम लिखेंगे सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो वो ही यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट में कर रहे हैं तो ये लाइन तो हम एज इट इज लिखेंगे 1 minute इज इक्वल 60 seconds 1 minute में कितने सेकंड्स होते हैं 60 seconds फिर ये मिक्स फ्रैक्शन में है यहाँ पे क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में नहीं था इसलिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से बिफोर हमें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा 2 6 12 12 + 1 13/2 मिनट्स को चेंज करना है हमें सेकंड में तो हम कैसे करेंगे क्या मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे 60 से यहाँ पे भी हमने 60 से किया था क्वेश्चन वाले डिजिट को इसमें भी हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे बट ये फ्रैक्शनल डिजिट है तो यहाँ पे हम इसको भी फ्रैक्शनल डिजिट बना देंगे मतलब इसके नीचे 1 लगा देंगे ठीक है इसके बाद मैंने आपको कल बताया था कि इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि 13 और 2 को कट कर सकते हो क्या कट का मतलब देखोगे कि आप कि ऐसा कोई भी नंबर जिसकी टेबल में 13 भी आता और 2 भी आता हो तो 2 अपनी ही टेबल में आता है लेकिन 2 की टेबल में 13 नहीं आता है तो ये कट नहीं हो सकता है अब हम देखते हैं इस तरीके से 2 और 60 को हम कट कर सकते हैं ये ऊपर है ये नीचे है हम जब सेम पोजीशन में डिजिट नहीं होती है तो हम उसको कट कर सकते हैं ठीक है बट हम ऐसे नहीं कि 13 और 60 को कट कर दें सेम प्लेस में अगर डिजिट होगी ये भी ऊपर है ये भी ऊपर है तो हम ऐसे कट नहीं कर सकते या ऐसे जैसे 2 और 1 के अलावा भी अगर कोई डिजिट होती है तो सेम प्लेस यानी अगर दोनों डिजिट नीचे है तो हम उसको कट नहीं कर सकते दोनों डिजिट ऊपर है तो भी क्लास हम कट नहीं कर सकते ऊपर नीचे हम कट कर सकते हैं चाहे वो क्रॉस में ही हो इस तरीके से टेढ़ी क्यों ना हो तो हम 2 की टेबल से कट कर देंगे 2 1 2 2 की टेबल में 60 जिसके भी लास्ट में 0 आता है वो भी 0 2 से डिवाइड हो जाएगा 2 3 6 और यहाँ पे 1 0 आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हो तब भी 30 आंसर आएगा ओके हो गया अब यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे तो 1 1 बचा 13 और 30 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई का साइन है ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 मल्टीप्लाई 30 कितना हो गया 13 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 13 3 39 और वहां पे 10 यहाँ 10 लगा दिया ये हो गया हमारा सेकंड यहाँ पे 1 1 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा नीचे 390/1 तो इसका 1 नीचे अगर 1 आता है उसका कोई मतलब नहीं होता अगर सपोज 1/390 होता तो हमें लिखना होता अगर ऊपर डिजिट में 1 आता है तो हमें लिखना होता है नीचे 1 नहीं लिखते हैं ठीक है डायरेक्ट सिर्फ ये डिजिट लिखेंगे हो गया ये नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्या थर्ड क्वेश्चन सेम है इसी तरीके से आपको करना है ठीक है क्वेश्चन फोर्थ 4 hours is equal dash second hour को second में करना है ये भी smallest unit में change करना है तो इसमें multiply करेंगे difference इतना है 1 hour में आपको पता होना चाहिए 1 hour में होते हैं कितने second hour को second में करना है तो hour में पता होना चाहिए कितने second होते हैं 3600 seconds ये याद रखने वाली बात है पता होगा आपको अब 1 को तो हमें 1 hour में 3600 seconds होते हैं हमें तो 4 का फाइंड करना है तो आपको ध्यान है जब हमें ज्यादा का फाइंड करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई 3600
ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ओके, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में होता तब भी हम इसी तरीके से कर लेते, जैसे है नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है या फिफ्थ क्वेश्चन भी है, 2/3/4, इसको पहले चेंज करोगे मिक्स फ्रैक्शन को इस तरीके से और फिर मल्टीप्लाई 30। मैं एक बार बता देती हूँ आपको वरना फिर आपको समझ नहीं आएगा। जैसे अवर इसको करना है हमें सेकंड में चेंज, कैसे करते हैं ये लाइन तो आप लिख लोगे 1 मिनट इज इक्वल 60 सेकंड। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ सॉल्यूशन कैसे करोगे। 4 2 8, 8 में 3 प्लस कर दिया 11 अपॉन 4, हमें सेकंड में चेंज करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसमें कितने 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। 1 आवर में मिनट 60 होता है, 1 मिनट में सेकंड्स कितने होते हैं 60 होते हैं, लेकिन आवर से सेकंड की बात करते हैं तब 3600। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लगा देंगे। अब आप देखो 11 और 36 इन दोनों को कट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ऊपर है। 11 और 4 को कट कर सकते हैं लेकिन ऐसा कोई नंबर नहीं है जो जिसकी टेबल में 4 भी आता हो और 11 भी आता हो, तो ये कट नहीं हो सकते। अब ऐसे देखते हैं इस तरीके से, पहले इनमें भी तो ऐसे ही करा है क्रॉस, 4 की टेबल में 36 यस कट हो जाएगा, 4 1। हाँ 2 से भी कर सकते हो, 2 से करोगे तो दो बार कट करना पड़ेगा, 4 1 4 की टेबल में 36 आता है ना, 4 9 36, यहाँ पे डबल जीरो बचे ना यहाँ लगा, डिवाइड करके भी देख सकते हो आप, 11 × 900 यानी इसका आंसर 9900 सेकंड, बस इजी सा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इसमें है सेकंड्स को आवर में चेंज करना है। यहाँ पे क्वेश्चन इज 29,500, सेकंड्स को किस में चेंज करना है आवर में। यहाँ पे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट में चेंज करने की बात आ रही थी, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट में। लार्जेस्ट यूनिट में जब चेंज करते हैं तो बताया मैंने उन क्वेश्चन में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड और आवर कितने होते हैं 3600, आपको ये पता है सेकंड को आवर में कर रहे हैं, तो 1 सेकंड इज इक्वल 1/3600। अगर यहाँ पे बात होती मिनट, यहाँ पे होता सेकंड को मिनट में करना है, तब 1/60 आ जाता क्योंकि दोनों में 60 का ही रहता है ना, ठीक है। लार्जेस्ट यूनिट में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के लिए आपको इस तरीके से लिखना होता है। अब यहाँ पे 1 की जगह हमें 1 सेकंड को थोड़ा चेंज करना है, हमें तो किसको चेंज करता है जो आपकी डिजिट होगी क्वेश्चन में 29,500, इसको चेंज करना है, ये हो गया, इसको चेंज करना है किसमें आवर में। तो यहाँ 1 की जगह जहां पे भी 1 लिखा हुआ है वहां पे आपको क्या लिखना है 29,000 जो डिजिट होगी क्वेश्चन में वो लिखना है। 1 लिखा हुआ था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लिखा था, 1 को रिप्लेस करके आपको ये डिजिट लिखनी है। यहाँ पे भी 1 लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी इसकी जगह आप ये लिख दो 29,500 की जगह 3600। कैसे कट करोगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे भी 20 है, 20 से 20 कट है। अब देखो ऐसा कोई नंबर जो इनसे कट हो जाए जिनकी टेबल में ये नंबर आता है। एक चीज देखो 2 की टेबल में देखो 5 देखो, पहले 5 जिसके एंड में होता है वो किसकी टेबल से कट हो सकता है, 5 से कट हो सकता है, बट 5 की टेबल में 36 नहीं आता, तो इसका मतलब है 295 और 36 है। देखो ये या तो 5 की टेबल से कट होगा, इसके अलावा 15 से भी हो सकता है, 25 से, लेकिन उन तीनों की टेबल में 36 नहीं आता, तो ये नंबर कट, दोनों नंबर कट नहीं होंगे। तो 296 को आप क्या करोगे मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना, 295 को आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख देना, जैसे 36 288। 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, यहाँ पे 7 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या है QRD में लिखते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन में, Q का मतलब क्वेश्चन, 8 रिमाइंडर कितना है 7 और डिवीजर कितना है 36। आप इनको करके देख सकते हो, आपका सॉरी आवर में चेंज करना है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना है स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूंगी कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क के नहीं करने हैं, सारे पैटर्न के 3 जिस भी टाइप के क्वेश्चन थे 11.2 में
बता दिए। सो इजी स्टूडेंट प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन।